नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। गुजराती आदमी प्रधानमंत्री है, ये गुजरातियों के लिए गौरव का विषय है। लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सेंधमारी की, क्या उसकी वजह से 2014 की तरह ही गुजरात में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप कर पाएगी? आज के वीडियो में मैं आपको गुजरात के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में भाषण देने मंच पर होते हैं तो बच्चा बच्चा उन्हें सुनता है। ये बात कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फैन फॉलोइंग गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ये करिश्मा नहीं चल पाया। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। ये तमाम सीटें इस समय बीजेपी के पास है। कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई करते हुए यहां बीजेपी ने 60% वोट लिए थे, जबकि कांग्रेस को महज 33% वोट मिल पाए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मामला पलट गया। बीजेपी सत्ता बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन उसे सिर्फ 99 सीटें मिली और 50% वोट लेने में वो कामयाब रही। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के गलियारों में वापसी करते हुए 77 सीटों पर बाजी मारी और उसे 42% वोट मिले। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटते ही एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को डस गई। कांग्रेस पार्टी ने इसका अच्छा खासा फायदा उठाया। अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल, इन तीन युवा नेताओं ने मिलकर ओबीसी, दलित और पटेलों के बीच में बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसका बहुत बड़ा असर बीजेपी को पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद मैदान में आए, तब जाके कहीं बात बनी और मामला संभल पाया। तभी से लेके अब तक लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पूरी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो कितनी सफलता मिल पाएगी, ये सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई इस समय नहीं दे रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया है। बीजेपी ने सबसे पहले ये काम किया कि कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ दी। सौराष्ट्र के कई सारे बड़े कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कई सारे विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खुद अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और पार्टी से बाहर हो गए हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से पटेल समुदाय के भीतर उनकी जो भी पकड़ थी वो पहले से कई गुना ज्यादा कमजोर हो गई है। खुद पटेल समुदाय के बहुत सारे लोग उसका अब विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो मंच पर भाषण करने पहुंचे थे तो एक व्यक्ति मंच पर आया और उन्हें कान के नीचे एक जोर का तमाचा जड़ दिया। ठीक इसी तरह जिग्नेश मेवाणी जो है वो अब मीडिया में कहीं नहीं आते, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसके भीतर भी बहुत सारी लड़ाई चल रही है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भारत छोड़कर चले गए और अब वापस एक बार इंडिया में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कई नेता लामबंद हुए हैं और सार्वजनिक जगहों पर पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसियों के बीच में खुले हाथ की मारामारी हो रही है। ये है कांग्रेस पार्टी की हालत। लेकिन बीजेपी की हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बीजेपी को सबसे पहले चुनाव के बाद में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाते हुए गुजरात से बाहर भेज दिया गया। वजूभाई वाड़ा जो कि राजकोट सौराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं, उन्हें भी राज्यपाल बनाकर राज्य से बाहर भेज दिया गया और कई सारे नेताओं को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी के भीतर के झगड़े कम करने के लिए उन्हें यहां वहां की जिम्मेदारी दे दी। इस तरह से बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी विद इन पार्टी उन्हें कहीं पर छू न ले। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जहां कहीं विकास के काम नहीं हुए हैं वहां पर वो अपने आंदोलन कर रही है और जिसकी वजह से विकास से
जो लोग दूर रह पाए या फिर जिनका समावेश विकास योजनाओं में नहीं हो पाया वो लोग कांग्रेस पार्टी के करीब आए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी तो कर ली है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि वो बीजेपी को हरा सके। कुल मिलाकर मेरा ये आकलन है कि गुजरात का गढ़ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बचाने में कामयाब रह जाएगी। हाँ, दो सीटों जितना नुकसान हो सकता है, जूनागढ़ अमरेली प्रकार की जो अलग अलग छोटी छोटी सीटें हैं वो बीजेपी गंवा सकती है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अधिकांश सीटें बीजेपी अब की बार भी फिर जीत लेगी। लगातार न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।